हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर ममता फ्लेवर में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ पानी पूरी और पानी पूरी का तीखा और मीठा पानी की रेसिपी। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि गोलगप्पे लोगों को कितने पसंद होते हैं। मार्केट में हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी हमें गोलगप्पे की दुकान दिख जाए तो हम वहीं पर गोलगप्पे खाने का मन करता है, बच्चे हो चाहे बड़े हो। तो गोलगप्पे सभी को पसंद आते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं अपनी वीडियो में क्यों ना गोलगप्पे की रेसिपी बता दूं। अगर आप मेरी वीडियो को पूरी तरह देखेंगे तो आप भी बहुत आसानी से अपने घर पे गोलगप्पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके जल्द से जल्द। तो दोस्तों, चलिए पानी पूरी की रेसिपी बनाते हैं। तो पानी पूरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैंने ली है 100 ग्राम इमली। इमली का पल्प भी आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगा, मैंने बीज वाली इमली ली है और इसे 2 से 3 घंटे ठंडे पानी में भिगा के रख देंगे। अगर आपको थोड़ा जल्दी बनानी है तो आप गर्म पानी भी ले सकते हैं। और मैंने लिया है 100 ग्राम गुड़, मैंने लिया है जीरा, सौंफ और काली मिर्च। अब हम लेंगे लाल मिर्च, अमचूर, काला नमक। दोस्तों, हमारी इमली 2 घंटे बाद फूल गई है, चाहे तो आप इसे हाथ से मैश कर लीजिए, पर मैंने बीज निकाल के इसे मिक्सी में पीस लिया था। मिक्सी में पीसने के बाद ऐसा पेस्ट बन गया है। अब हम इसे छन्नी में छान लेंगे ताकि इसके रेशे वगैरह अलग हो जाएं। ये देखिए, ऐसा पेस्ट बन गया है। अब हम एक पैन लेंगे और इमली के पेस्ट को उसमें डाल देंगे। इसमें कोई भी घी तेल यूज नहीं होगा। इसके ऐसे चलाते रहते हैं। अब मैं इसमें 100 ग्राम गुड़ डाल दूंगी। गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच व्हाइट नमक, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालेंगे। काली मिर्च से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे कुटी हुई सौंफ, मैंने सौंफ को कूट लिया था रोस्ट करके। अब हमारा चटनी तैयार हो गई है। अब हम लेंगे 1/2 कप चटनी और इसमें 1/2 कप पानी मिला देंगे। ये हमारा मीठा पानी तैयार हो रहा है। इसमें थोड़ी सी बूंदी डाल देंगे ऊपर से। अब हमारा मीठा पानी रेडी है। अब हम बना लेंगे तीखा पानी। उसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी पुदीना, 1 कटोरी धनिया। अब हम इन्हें मिक्सी में डाल लेंगे। इसमें 3 हरी मिर्च डाल लेते हैं, 1 टुकड़ा अदरक का। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच काला नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 चम्मच काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, 1 हमने नींबू का रस निचोड़ लिया है। अब हमारी हरी चटनी तैयार हो गई है। अब इसका पानी बना लेते हैं। अब हम लेंगे 3 टेबल स्पून हरी चटनी,
इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे, इसमें 1/2 चम्मच जलजीरा पाउडर डाल देते हैं। इससे क्या होगा, पानी पूरी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि नमक कम हो गया है, नमक टेस्ट करेंगे आपकी कब कितना कम हुआ है उसी हिसाब से डाल लेंगे। चाहे तो आप जलजीरा के बदले आप चाट मसाला या पानी पूरी मसाला भी डाल सकते हैं। अब हम इसे छान लेते हैं ताकि धनिया और पुदीना के जो रेशे हैं वो अलग हो जाएं। अब इसमें बूंदी डाल देंगे। देखिए हमारे पानी पूरी का तीखा पानी तैयार है। ये रहा है हमारा खट्टा और मीठा पानी। तो जल्दी जल्दी गोलगप्पे बना लेते हैं। गोलगप्पे आटे और सूजी दोनों के बनते हैं। मैं यहाँ पे सूजी के गोलगप्पे बना रही हूँ। तो सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए मैंने ले लिया 1 कप सूजी यानी कि 100 ग्राम। 100 ग्राम सूजी ले लेंगे। सूजी बारीक या मोटी कैसी भी हो ले लेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। अब इसमें 1 चुटकी नमक डाल लेते हैं, 1 चम्मच ऑयल, 1 ध्यान रखना है कि गोलगप्पे बनाने के लिए हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने जिस कप से सूजी ली थी उसी कप से 1/4 कप पानी ले लिया है। देखिए जब पानी में ऐसे बुलबुले हो जाएं, पानी एकदम खौलता हुआ भी नहीं चाहिए, इतना ही गर्म चाहिए। अब इस पानी को सूजी में डाल दीजिए। पानी बहुत गर्म है इसलिए इसे चम्मच से मिक्स करिए, गर्म पानी में हाथ मत डालिए। सूजी में मैंने पूरा पानी डाल दिया है क्योंकि वो परफेक्ट पानी है, वो मेजरमेंट परफेक्ट है। अगर आप 1/4 डालेंगे तो वो आपके गोलगप्पे बहुत ही फूले फूले और करारे बनेंगे। इसे मिला लेंगे अच्छे से, अभी पानी काफी गर्म है। अब पानी नॉर्मल हो गया है तो मैं इसे हाथ से एक अच्छा सा डो बना लेंगे। गोलगप्पे के आटे को कम से कम 15 मिनट तक बहुत अच्छे से सॉफ्ट करने तक मलना होगा। इसे बहुत अच्छे से मल लेंगे, बहुत टाइट रफ हाथों से इसे मलना है। ये देख ली पूरी ताकत के साथ हथेली से। अब देखिए मेरा आटा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब इसे 1/2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। 1/2 घंटे हो चुके हैं, हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। देखिए ऐसा ही आटा होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट। अब हाथों में तेल लगा के इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। बेलन पे भी अच्छे से तेल लगा लीजिए, जहां पे पूरी बेलनी है वहां पे भी तेल लगा लीजिए। अब मैं इसे चपाती बना लेते हैं। देखिए थोड़ा मोटी सी चपाती बनाइए। अब ऐसा आपके घर में कोई भी बोतल का ढक्कन हो पानी का या कोई सभी, उसे साफ करके अच्छे से आप गोल गोल इस शेप में गोलगप्पे की पूरी बना सकते हैं। इससे क्या है आपकी सारी पूरी एक सी बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये देखिए ऐसे गोल शेप में। अब इसकी पूरी निकाल लेते हैं। जो बचा हुआ आटा है उसे भी उस आटे में मिला के उसकी भी ऐसी ही पूरी बना लेंगे। अगर आप ज्यादा पूरी बना रहे हैं तो उसे ढक के रखें, किसी कपड़े में रखें, उसके ऊपर से फिर कपड़े से ढक दें। मैं थोड़ा कम बना रही हूं तो मैं ढक्कन से ही ढक रही हूं। अब पूरी बेल लेते हैं। ध्यान रखना है गोलगप्पे की पूरी ना ज्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही पतली, रोटी से थोड़ी पतली। गोलगप्पे हमेशा हाई फ्लेम पे तलने चाहिए, बिल्कुल धुआं निकलता हुआ तेल होना चाहिए। देखिए गोलगप्पे का जो नीचे का साइड है उसे नीचे ही रखेंगे, तभी हमारे ऊपर का साइड फूलेगा और नीचे का थोड़ा हल्का सा सख्त रहेगा। ये देखिए हमारे गोलगप्पे एकदम फूल गए हैं। इन हाई फ्लेम में ही
आप तलिएगा, गैस का फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं करना है, नहीं तो हमारी पूरी पटपटी हो जाएगी। सूजी के गोलगप्पे एक एक करके ही तले जाते हैं, आटे के हम एक साथ डाल सकते हैं, पर सूजी के एक एक करके ही तले। ये देखिए हमारे गोलगप्पा कितने करारे बने हैं, तो तैयार है हमारे गोलगप्पे। देखिए अब आप इसमें पानी डालिए और खाइए। चाहे तो आप उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं मसाले में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, मैं आगे भी आपके लिए नई नई रेसिपी लाती रहूँगी। बाय।